भाजपाइयों की हरकत तो बेहद शर्मनाक निकली। सपा गठबंधन की महिला प्रत्याशी के साथ ये क्या किया? फरुखाबाद में फर्जीवाड़े का विरोध करने पर भाजपाइयों की शर्मनाक हरकत। सुमन शाक्य के साथ बीजेपी नेताओं ने की बदसलूकी। पुलिस भी बीजेपी वालों का ही साथ देती दिखी। तीसरे चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन तीसरे चरण के मतदान में जो हालात देखने को मिले वो बेहद शर्मिंदगी भरे रहे। बीजेपी के नेताओं में जीत की ऐसी सनक दिखी कि वो महिलाओं से अभद्रता करने में भी पीछे नहीं रहे। जो हालात पंचायत चुनाव के दौरान दिखे थे, कुछ वैसा ही फरुखाबाद सदर विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां फर्जी वोटिंग कर बीजेपी को जिताने की कोशिश की जा रही थी। और सपा उम्मीदवार सुमन शाक्य ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने सपा उम्मीदवार सुमन शाक्य को ही निशाना बना डाला। मामले की शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस भी बीजेपी वालों की जी हजूरी करती दिखी। सुमन शाक्य और उनके बेटे किशन मौर्य ने जब गिरफ्तार आरोपी के बारे में पूछा तो पुलिस ने बड़े रौब से कहा कि उसे छोड़ दिया। आप भी सुनिए पुलिस ने क्या कहा। दरअसल तीसरे चरण के तहत फरुखाबाद में मतदान किया गया। सपा की तरफ से महान दल प्रमुख केशवदेव मौर्य की पत्नी सुमन शाह के उम्मीदवार हैं। सदर क्षेत्र के बद्री विशाल डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान होता देख सुमन शाह के बेटे किशन मौर्य ने एक बीजेपी समर्थक को पकड़ लिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लेकिन यहां मौके पर मौजूद बीजेपी समर्थक सपा समर्थकों से भिड़ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं सपाइयों ने जब पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस भी बीजेपी का पक्ष लेती दिखी। ऐसे में सपा समर्थकों की पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। सपा प्रत्याशी सुमन शाक्य के बेटे किशन मौर्य समर्थकों के साथ बद्री विशाल डिग्री कॉलेज पहुंचे। उन्होंने बाहर खड़े एक युवक को फर्जी मतदान करने के आरोप में पकड़ लिया। किशन ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान करने आए युवक को भाजपाई जबरन छुड़ा ले गए। उम्मीदवार सुमन शाह के पूर्व विधायक विजय सिंह के भतीजे करण सिंह और विक्की सिंह सपाई भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस से जब शिकायत की गई तो सीओ सिटी प्रदीप सिंह और कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला बीजेपी का ही पक्ष लेते दिखे। ऐसा आरोप लगाते हुए सपाइयों ने पुलिस का भी विरोध किया। सपा नेताओं का कहना है कि हार सामने देख बीजेपी वाले बौखला गए हैं और बौखलाहट में बीजेपी के लोग जहां सपा के नेताओं को निशाना बना रहे हैं तो वहीं फर्जी वोटिंग के सहारे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे। सपा नेताओं का कहना है कि जनता ने बीजेपी के विरोध में मतदान किया है और सपा के पक्ष में वोटिंग हुई है। ऐसे में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी फर्जी वोटिंग का सहारा ले ले, लेकिन जीत तो सपा उम्मीदवार सुमन शाक्य को ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।